हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंट थियरी वो चैप्टर से जो जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो हमने डिस्कस करी थी, और आज की क्लास में हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बेसिकली जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं, वो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि अभी रिसेंटली आई थिंक 6 अक्टूबर को गुजरात बोर्ड से एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना, कि कुछ सिलेबस में से उन्होंने क्या करे, कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने रिमूव कर दिए, हटा दिए, जो आपके सिलेबस से बाहर कर दिए है, ठीक है ना। तो वो आपको अगर आपको चाहिए, वैसे तो आप तक मिल गया होगा अभी तक, और साइट पे है, जैसे भी की साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना। बेसिकली देखो, मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर तो कोई भी आपके स्किप नहीं करे, चैप्टर सारे के सारे है, चाहे वो पार्ट 1 के हो पार्ट 2 हो, सारे चैप्टर उसमें कवर किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन को उन्होंने हटा दिया कि ये क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे एडमिशन वाला रिटायरमेंट वाला चैप्टर था, तो रिटायरमेंट में डेथ वाले क्वेश्चन हटा दिए उन लोगों ने, बोला डेथ के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ रिटायरमेंट के आपको पूछेंगे, समझ में आया। तो इस तरीके से कुछ कुछ उन्होंने चेंज करा है चैप्टर में, वो आपको पूरा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे बिंदास या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा जो भी अप्रोप्रिएटली रहेगा, ठीक है ना। चलो, सो आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं, और आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो बेसिकली जर्नल एंट्री का ही पूछा जाता है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री के बेस होता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने आज तक कभी नहीं पूछा है। तो फिलहाल जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे, और जर्नल एंट्री में आपको अच्छे से वो आज की क्लास में बता देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कितनी जर्नल एंट्री हो सकती है वो मैं एज पॉसिबल सारी सिचुएशन मैंने आज की क्लास में डिस्कस कर दिया। इस बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है टेबुलर फॉर्म में, उसमें मैंने सारी जर्नल एंट्री कवर कर दी, इसके बाहर कोई जर्नल एंट्री बनती ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपको अगर ये समझ में आ गई, आपको अगर आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई, तो आपको डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में कोई भी जर्नल एंट्री होगी आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छे से अटेंशन पे करो, अच्छे से सुनो आप, ठीक है ना। चलो, एक और चीज थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ यहाँ पे, तो अगर आपको कोई चीज है वो एक बार में क्लियर नहीं होती है तो सेकंड टाइम इसको देख लिया करो, आपको रिवाइज है वो हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी खाली बैठे रहे तो आराम से तो देख लिया करो, एक बार सुन लिया करो इसको, ठीक है ना। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे खत्म हो रही है। तो पार्टनरशिप फॉर्म जब खत्म हो रही है तो देखो, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या करना पड़ेगा, हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट का मतलब सर, जैसे हमारे पास यहाँ पे काफी सारी असेट्स पड़ी है, अगेंस्ट में ड्यू भी है, डेब्ट भी है, लाइबिलिटी भी है, तो हम क्या करेंगे, सारी असेट्स को बेचेंगे बराबर, और उससे जो पैसा आएगा वो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब डिसोल्यूशन के टाइम में जर्नल एंट्री क्या क्या करनी है, तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से असेट्स और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेज है उनको खत्म करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मान लो 10,000 का फर्नीचर दिख रहा है, 10,000 का क्या दिख रहा है, फर्नीचर। तो पहले मैं क्या करूंगा, उस 10,000 के फर्नीचर को मेरी बैलेंस शीट से रिमूव करूंगा, यानी आज बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 बैलेंस कर दूंगा उसका मैं, क्योंकि ऐसे करके मैं सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस 0 करूंगा, क्योंकि आज के बाद कोई बैलेंस रखना नहीं है मुझे, तो सारे बैलेंस मुझे क्या करना है, खत्म कर देना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं उस अकाउंट के बैलेंस को रिवर्स करके मैं क्या करूंगा, उसका बैलेंस है वो खत्म करूंगा, ठीक है ना, रिमूव करूंगा, देन उसके बाद मैं फाइनली सेटलमेंट करूंगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, सबसे पहले एक तो आपको एसेट्स वाली जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, या फिर आपको लाइबिलिटी वाली क्वेश्चन जर्नल एंट्री है वो पूछी जा सकती है, या फिर आपको एक्सपेंस या इनकम की कोई जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, या फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, उसमें से कोई जर्नल एंट्री है वो पूछी जा सकती है। तो वो जो इंपोर्टेंट एरियाज है वो मैंने यहाँ पे अलग से कवर कर लिया, और साथ ही टेबुलर फॉर्म में, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सबका कंपेरिजन कर सकते हो, सिर्फ एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, रिविजन में भी काफी हेल्प करेगा आपको। चलो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसको रिवाइज करने में, ठीक है ना। चलो, एक बार अच्छे से पढ़ लो आप। देखो, सबसे पहले हम असेट्स की बात करते हैं। असेट्स कौन सी, जो हमारे पास बैलेंस शीट में है, हमारी बैलेंस शीट में जो असेट्स है, लाइक बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल है, कंप्यूटर है, ये सारे हमारे पास क्या है, असेट्स होगी। जब डिसोल्यूशन हो रहा है, जब खत्म हो रही है पार्टनरशिप फर्म, एट दैट टाइम हमारे पास इनमें से काफी सारी असेट्स होगी, ठीक है ना। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये असेट्स के बैलेंस हम क्या करेंगे, बुक से हटाएंगे, बुक से मतलब रिमूव करेंगे इसके बैलेंस, समझ में आ रहा है, बुक में इसका बैलेंस 0 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा,
क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्या करनी है, जो आपके बुक में ली जो दे रखी है असेट्स थी बैलेंस शीट में, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स का नाम, जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट, मशीनरी है तो मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, इस तरीके से। समझ में आ गया। तो जैसे फर्नीचर को मुझे, फर्नीचर मेरी बुक में है और फर्नीचर को मुझे रिमूव करना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने से असर, जितने का है मेरी बुक में, तो बुक वैल्यू से मैं एंट्री करूंगा। समझ में आ गया। तो असेट्स का अगर क्वेश्चन है, असर्ट्स की अगर जनरल एंट्री पूछी है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करने के लिए आप क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असर्ट्स का नाम, जितनी भी असर्ट्स है वो एक साथ भी आप लिख सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारे है, तो सबका एक साथ आप एक ही एंट्री में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई कि असर्ट्स के बैलेंस को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असर्ट्स का नाम। इससे क्या होगा, हमारे हमारी जो बुक में जो बैलेंस है वो बैलेंस जीरो हो जाएगा अभी, क्योंकि पहले जो प्लस होगा तो अब माइनस कर दिया, या पहले माइनस था तो अब प्लस कर दिया, तो जीरो हो गया। समझ में आ गया इस तरीके से। चलो, सो फर्स्ट एंट्री क्या करोगे असेट्स के केस में, आप पहली एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स का नाम, ठीक है ना, जैसे जो भी नाम है फर्नीचर वगैरह, ठीक है ना। चलो, अब सर मैंने फर्नीचर को अपनी बुक्स में से रिमूव कर दिया, एग्जांपल के लिए सिर्फ फर्नीचर था मेरे पास, तो फर्नीचर को मैंने बुक्स से हटा दिया, पहले एंट्री पास कर दी, लेकिन सर रियल में तो फर्नीचर ये है ना मेरे पास, रियल में तो ये दिख रहा है, बुक्स से हटा दिया मैंने, बुक्स में नहीं दिख रहा मेरे पास, लेकिन रियल में एग्जिस्ट में था ना, फिजिकल फॉर्म में तो दिख रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, बेचूंगा। तो बोलो मेरे को काम लेगा, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। तो कैश जब आती है तो कैश अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश आती है तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट यहाँ पे फर्नीचर नहीं करना है, अगर फर्नीचर कर दिया ना तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बन जाएगा और नया बैलेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, हम तो ऑलरेडी जो बैलेंस है उसको भी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो क्या लिखा मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कब, जब वो असर्ट्स आप बेचोगे, जब आप असर्ट्स बेचोगे जितना पैसा मिलेगा उतने से एंट्री होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखा, बाय मार्केट वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इसका 10% अमाउंट कम मिला, या फिर 90% मिला, 70% मिला, या फिर इतना अमाउंट मिला, ठीक है ना, कैसे भी आपको क्वेश्चन देंगे आपको। समझ में आया। चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना, फिलहाल अच्छे से सुनते जाओ क्या कह रहा हूं मैं, कंसेप्ट को समझते जाओ। So, दो एंट्री करनी है आपको असर्ट्स के लिए, पहले तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करने की, और दूसरा उसका सेटलमेंट करने की, उसको बेच के पैसे लाने की एंट्री करनी है। तो पहले एंट्री क्या करेंगे, रिमूव करने की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असर्ट्स का नाम। कौन सी वैल्यू से लेंगे, बुक की वैल्यू से लेंगे, जो बुक में वैल्यू है उसी में से तो रिमूव करना है, ठीक है ना, तो बुक वैल्यू से करेंगे। सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री हम उस असर्ट्स को बेचने की एंट्री करेंगे, और बेचने से क्या होगा, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक कर देना, ठीक है ना, उसमें बड़ी बात नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, और टू क्या करोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे, न कि वो असर्ट्स का नाम लिखोगे। समझ में आ गया। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, क्लियर है, फाइन। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर वो फर्नीचर जो है हमारे पास, वो जो फर्नीचर है हमारे पास, अगर वो कोई पार्टनर ले लेता है, तो जैसे तीन पार्टनर, तीनों में से कोई एक पार्टनर बोलता है कि इस फर्नीचर को मैं ले लेता हूं, कहीं बेचने की जरूरत नहीं है, तो बोलो जब वो पार्टनर लेगा तो बोलो आपको कैश मिलेगा क्या, तो बेचने से कैश थोड़ी मिलेगा, क्योंकि पार्टनर ने ले लिया तो आपकी बुक्स में तो पार्टनर का पहले से कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो कैश अकाउंट की जगह पे किसका नाम लिखेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश में बाहर बेचा कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, और अगर किसी पार्टनर ने लिया तो क्या करना है, कैश की जगह पे किसको करना है, डेबिट पार्टनर, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से दो एंट्री आपको असर्ट्स के केस में करनी है, पहले रिमूव करने की, उसके बाद में उससे रिकवरी करने की, ठीक है ना। पहली एंट्री क्या होगी, रिमूव करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स, किस अमाउंट से, बुक वैल्यू अमाउंट से, ठीक है ना। सेकंड एंट्री उसको बेस से पैसे लाने की, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना पैसा मिलेगा उससे एंट्री करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, वो अगर असेट्स जो है अगर मार्केट में नहीं बेचते, वो कोई पार्टनर अगर ले लेता है, ठीक है ना, तो वो जो पार्टनर जितने में लेगा, जो एग्रीड वैल्यू पे लेगा, ठीक है ना, उससे हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो समझ में आ गया, ये दो एंट्री हो सकती है, इसके बाहर कोई एंट्री है वो नहीं हो सकती, असेट्स के केस में डिसोल्यूशन की बात करें तो। क्लियर है, फाइन। अब सर एक नोट आता है यहां पे, नोट ये कि सपोज ऐसा मानते हैं
सपोज ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर था जिसकी मैंने जब खरीदा था तब एंट्री नहीं की, जनरल एंट्री नहीं की, और जनरल एंट्री नहीं की तो बोलो आपको बैलेंस शीट में भी नहीं दिख रहा है। समझ में आया? मैंने कंप्यूटर पहले कभी खरीदा होगा और उसकी मैंने जनरल एंट्री करना भूल गया था, समझ में आ गया, और बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा। जब एंट्री नहीं की तो बैलेंस शीट में कैसे पहुंचेगा? समझ में आ गया? तो बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा फर्नीचर, लेकिन फिजिकल फॉर्म में तो है ना, मेरे पास फिजिकल फॉर्म में मेरे पास है, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा है। तो बोलो हमारा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बोलता है कि असेट्स के लिए दो एंट्री करनी है। कौन कौन सी? पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करना है, बुक्स में से रिमूव करने की एंट्री, बराबर है। और दूसरा क्या करना है? उसका सेटलमेंट करने की एंट्री करनी है, उसको बेच के पैसे लाने की एंट्री। समझ में आया? लेकिन मुझे बताओ ये जो कंप्यूटर है जो तो अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में लिखा ही नहीं, तो बोलो फर्स्ट एंट्री होगी या नहीं होगी? फर्स्ट एंट्री होगी या नहीं होगी? आंसर इज नहीं होगी ना। कैसे होगी? जो बुक्स में है ही नहीं उसको मैं रिमूव कैसे करूं? समझ में आया? क्लास में से बाहर सिर्फ उसी स्टूडेंट को निकाल सकता हूं मैं जो क्लास में आया हो, जो क्लास में आया नहीं उसको मैं बाहर कैसे निकालू? समझ में आ गया? तो इस तरीके से, यानी जो अनरिकॉर्डेड अदर असेट्स है, और तो उसके केस में आपको वन एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एंट्री नंबर वन नहीं करोगे आप, रिमूव करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना, क्योंकि है नहीं बुक्स में तो रिमूव कहां से करें? समझ में आ गया? चलो, तो उसके केस में सिर्फ सेकंड एंट्री करोगे आप, बेच के पैसे जो आएंगे ना वो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, या फिर पार्टनर्स ने लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ एंट्री नंबर टू ही करोगे आप। समझ में आ गया? तो तीन केस यहाँ पे हो सकते हैं एसेट्स के केस में। पहला केस आपका बुक से रिमूव करने की एंट्री, ठीक है ना, और सेकंड आपका सेटलमेंट करने की एंट्री। और अगर आपका अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो क्या करोगे? सिर्फ एंट्री नंबर सेकंड होगी, फर्स्ट वाली एंट्री नहीं होगी, बात खत्म। असेट्स में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जब आपको असेट्स अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बाकी का भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम लायबिलिटी की बात करते हैं। जैसे हमने असेट्स को क्या किया, असेट्स के दो पार्ट में डिवाइड करी थी जनरल एंट्री, एक तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करना, दूसरा सेटलमेंट करना। सेम प्रोसीजर यहां पर भी लगेगा, सेम प्रोसीजर यहां पर भी लगेगा। पहले हम लायबिलिटी का, जैसे सपोज क्रेडिटर का बैलेंस है, जैसे क्या है क्रेडिटर का बैलेंस, तो क्रेडिटर के बैलेंस को पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करेंगे। समझ में आया? तो बुक वैल्यू से रिमूव करेंगे, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? रिस्पेक्टिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, यानी क्रेडिटर है तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन है तो बैंक लोन, कुछ भी है जो भी लायबिलिटी है वो सबको आप क्या करो, डेबिट कर दो जो बुक वैल्यू है आपके बैलेंस शीट पे। समझ में आया? और क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे। किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री होगी। समझ में आ गया? जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री। अब यहां पे देखो, अब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट से तो क्रेडिटर का बैलेंस हटा दिया, लायबिलिटी को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर दिया, बराबर है। लेकिन मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, वास्तव में एक्चुअल में जाके पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब असर्स होती है तो मिलता है पेमेंट, लेकिन यहां पे तो लायबिलिटी है तो यहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो बोलो क्या करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट किया, तो डेबिट ऑब्वियसली कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अगर किसी पार्टनर ने बोला कि इस क्रेडिटर को मैं पे कर दूंगा, यानी कि जैसे वो असेट्स लेता था कोई पार्टनर, सेम मैनर में अगर कोई पार्टनर है वो अगर पर्टिकुलर लायबिलिटी अगर ले लेता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में कुछ नहीं, कैश की जगह पे रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट की जगह पे उस रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट लिखोगे आप, ठीक है ना। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अगर करंट अकाउंट वाला ऐसा पूछे तो आप वो भी लिखोगे, ठीक है ना। चलो बाय एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो लेगा या जिस वैल्यू पे आप क्या करोगे पेमेंट करोगे, वो वैल्यू से आप ये एंट्री करोगे आप, ठीक है ना। तो दो सेम मैनर में यहां पर भी हमने सोचा कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करो जो बुक में वैल्यू दे रखी है, उसके बाद में क्या करो उसका सेटलमेंट करो, पेमेंट करो उसको, ठीक है ना। क्लियर है? फाइन। यहां पर भी सेम नोट है जो असेट्स के केस में था कि अनरिकॉर्डेड असेट्स जो थी तो सिर्फ एंट्री नंबर टू करी थी, सेकंड वाली एंट्री करी थी, फर्स्ट वाली नहीं होगी, ठीक है ना। सेम मैनर में अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आपको मिल जाती है, ठीक है ना, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मिल जाती है तो उसकी भी सिर्फ हम सेकंड एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री होगी वो एंट्री नंबर सेकंड वाली। क्लियर है? फाइन। तो दोनों का आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एंट्री में आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, हर एक एंट्री में क्या दिख रहा है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है। क्लियर है? हर एक एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखो तो ये कैश वाली जो होती है सेटलमेंट वाली, वो बहुत इजी है कि कैश मिल रहा है कि कैश दे रहा है। अगर कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो दूसरा कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट होगा। अगर कैश आप दे रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट होगा।
समझ में आ गया। और असेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस क्या करने हैं, रिवर्स करने हैं। तो असेट्स के डेबिट बैलेंस को हम क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी जो क्रेडिट बैलेंस रखती है तो उसको डेबिट करेंगे। तो समझने में भी काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लर्न करना हो तो आप लर्न भी कर सकते हो, काफी इजी है, ठीक है ना। अच्छा, सो असेट्स और लायबिलिटी के बाद में हम बढ़ते हैं आगे, और अब आगे का हमारा है एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं। सर एक्सपेंस इनकम क्या, जैसे कि डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप हम खत्म हो रही है, तो बोलो खत्म जब होता है तो एट दैट टाइम काफी सारे खर्चे होते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जिनको बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको असेट्स है वो बेचनी है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप गए कहीं मार्केट में, या फिर असेट्स को उठा के लेके गए मार्केट में, ठीक है ना। तो उसका चार्जेस वगैरह, या फिर आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, लीगल सर्विसेज वगैरह, ठीक है ना, उसका आपने प्रोफेशनल फीस वगैरह पेमेंट करा, तो ये सारे काफी सारे खर्चे होते हैं एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे डिसोल्यूशन एक्सपेंस माने जाते हैं। तो सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम पेमेंट तो करेंगे ना, तो बोलो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बोलो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करने की जरूरत है, नहीं ना, वो पहले से कहा था बुक में, नहीं था ना, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, दैट इज सेटलमेंट करने की। और सेटलमेंट करने की एंट्री बोलो क्या होगी, जब पेमेंट करेंगे एक्सपेंस का तो कैश तो जाएगा, तो टू कैश, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जो अमाउंट आपने पे करा एक्सपेंस का उतने से आप क्या करोगे, ये एंट्री करोगे आप, क्लियर है। सर अभी कोई इनकम हो गया तो इनकम कैसा, सर जैसे फॉर एग्जांपल पहले कभी बैड डेट माना था हमने किसी को, ठीक है ना, पहले हमने क्या कर दिया था, किसी पर्सन को बैड डेट मान लिया था, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन आज उससे हमको कुछ ना कुछ पैसा मिला, मतलब कहने का मतलब बैड डेट रिकवरी अगर आपको होगी तो क्या करोगे आप, इनकम होगी, और इनकम होगी तो बोलो आपको कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, क्लियर है। और क्रेडिट फिर किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर इनकम, अगर इनकम होती है तो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है, फाइन। अब देखो ये वाले, ये बहुत रेयरली आपको पूछा जाता है, बहुत रेयरली, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट में ये भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है ना। मेन आपको इन तीन पे ज्यादा फोकस करना है, देन लास्ट में इसको भी करना है, ठीक है ना। चलो देखो ये क्या है, रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बैलेंस शीट में काफी सारे रिजर्व्स दिखते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है आपका, कैपिटल रिजर्व है, ठीक है ना, और भी काफी सारे कंपेंसेशन रिजर्व वगैरह दिखते हैं आपको। तो वो रिजर्व को क्या करना है, तो आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर आपको पता है, हमने एडमिशन वाला किया, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो सब में क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट कर रहे थे, पार्टनर्स में क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। तो यहां पर भी वही करना है ना, सारे रिजर्व को क्या करना है, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो देखो ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसे कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप एंट्री करोगे। तो कुछ नया नहीं है, हम पहले जो रिकंस्ट्रक्शन में करे थे, हमने एडमिशन में जो एंट्री करी है, रिटायरमेंट में जो हमने एंट्री करी है, बस वही तो है, बस यहां सभी पार्टनर में बटेगा, क्लियर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, ठीक है ना, पीएनएल का अगर लॉस है या फिर डेबिट बैलेंस है, तो उसको भी क्या करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही तो ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर भी वही करना है। तो एंट्री क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये एंट्री पास करोगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डिस्कशन है वो समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार वापस से इन सबका क्रक्स है वो निचोड़ आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमेशा दो टाइप से सोचना है अपने को, जब भी असेट्स और लायबिलिटी की बात करता है तो दो टाइप से सोचना है, दो एंट्री होगी, चाहे वो असेट्स है या लायबिलिटी, असेट्स है या लायबिलिटी, सिर्फ दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिमूव करने की, ठीक है ना। पहली एंट्री क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करने की एंट्री, और सेकंड एंट्री क्या होगी, उसको बेच के पैसे लाने की या फिर उसका सेटलमेंट करने की, ठीक है ना। अगर असेट्स है तो पहली एंट्री रिमूव करने की एंट्री करोगे आप, तो असेट्स को क्रेडिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स, और फिर उसके बाद में उसको बेचोगे आप, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री कर कैश आएगा आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। और अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो बोलो क्या करोगे, पहली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ सेकंड एंट्री होगी सेटलमेंट करने की, ठीक है ना। चलो लायबिलिटी अगर है तो लायबिलिटी के केस में आप क्या करोगे, लायबिलिटी के केस में सबसे पहले लायबिलिटी को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने की एंट्री करोगे रेस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और टू क्या करोगे, टू आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट,
ठीक है ना, सेम वे में आप क्या करोगे, इसका सेटलमेंट लायबिलिटी को पेमेंट करोगे तो पेमेंट में कैश जाएगा तो टू कैश करोगे, और डेबिट क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। अगर कोई पार्टनर असेट्स ले लेता है तो कैश की जगह पे पार्टनर्स लिख दो, और अगर लायबिलिटी पार्टनर ले लेता है तो कैश की जगह पे आप इसको लिखोगे रेस्पेक्टिव पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना। चलो एक्सपेंस या फिर इनकम की बात करें तो देखो एक्सपेंस में क्या होता है, खर्चा करते हैं तो कैश जाती है, तो कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और इनकम की बात करें तो इनकम में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे। और फिर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो हम जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 और 5, 6 में किया है बस वैसे ही तो करना, सभी पार्टनर्स में बांट देना है, तो सारे रिजर्व जो जो दिखे वो सब डेबिट कर दो और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कर दो, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को अभी ये डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार ये टेबल को देखो, एनालिसिस करो, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ नया पॉइंट दिखता है, कुछ और डाउट रहता है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फटाफट ये आप एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, फिर हम क्या करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एग्जांपल के क्वेश्चन वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। और अब मैं थोड़ा ओरली बोल के करवाऊंगा, ठीक है ना, जहां जरूरत पड़ेगी तो वर्किंग है वो आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो और रिवाइज करो इसको।